हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत करती हूँ मैं अपने चैनल पर। मैं हूँ निधि। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और सुरक्षित होंगे। आज की जो रीडिंग है वो कलेक्टिव जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग एंड टॉपिक आपके पर्सन की करेंट फीलिंग्स राइट नाउ आपको लेकर के क्या है हम यहाँ देखेंगे। आपको रहना है पॉजिटिव, कर देना है वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब अगर अब तक नहीं किया है तो। पर्सनल रीडिंग के लिए आप आ सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर है। रीडिंग स्टार्ट होती है 199 रुपीज ऑनवर्ड्स, मिनी रीडिंग से लेके डिटेल रीडिंग तक करवा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी इस रीडिंग को और देखते हैं आपके पर्सन की करेंट फीलिंग्स आपको लेकर के क्या है। सो एंजल्स, यूनिवर्स एंड डिवाइन प्लीज गाइड करिए मुझे। और सबसे पहला कार्ड यहाँ आ गया है फोर ऑफ कप्स का। चलिए यहाँ पर आ गया है फाइव ऑफ सॉर्ड्स, सिक्स ऑफ सॉर्ड्स, टेन ऑफ कप्स एंड स्ट्रेंथ का कार्ड है यहाँ पर, सिक्स ऑफ कप्स का कार्ड है, सेवन ऑफ वॉन्स का कार्ड है, एट ऑफ कप्स का कार्ड है, टू ऑफ कप्स का कार्ड है। ओके, एक कार्ड और हम देखेंगे जो कि है टेन ऑफ वॉन्स का कार्ड है। ओके, सबसे पहले हम इनकी राशियों की बात कर लेते हैं। ये पर्सन है एरीज, लियो, सैजिटेरियस, लीब्रा, एक्वेरियस, जैमनी, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस के पर्सन हो सकते हैं। यहाँ पे लियो स्ट्रांग नजर आ रहे हैं। यहाँ पर है क्वीन ऑफ वॉन्स, यहाँ पर है द हाई प्रिस्टेस एंड यहाँ पर है डेथ का कार्ड। तो देखो ये है कि ये पर्सन जो है ना वो डेफिनेटली किसी ना किसी तरीके के कोई बहुत बड़ा यू टर्न लेने के बारे में सोच रहे हैं, कोई बहुत बड़ी यू टर्न के बारे में सोच सकते हैं। आपको बहुत मिस कर रहे हैं, बहुत याद कर रहे हैं, पर्सन आपके बारे में दिन रात सोचते रहते हैं ऐसा लग रहा है। आप बहुत ऑनेस्ट एंड बहुत ज्यादा लॉयल हैं इनके लिए और इनको ये बहुत अच्छा लगता है। आपका डेडिकेशन इनको बहुत पसंद है। आप जितना ज्यादा इनके साथ जुड़े हुए हैं उतना ही ज्यादा ये पर्सन आपके साथ में जुड़ा हुआ फील करते हैं। आप दोनों एक दूसरे को बहुत ज्यादा चाहते हैं, इसीलिए एक दूसरे की फिक्र भी करते हैं, एक दूसरे को प्यार भी देते हैं, वो चीज भी यहाँ पर दिख रही है। छोटी से छोटी बातों के लिए भी आप लोग एक दूसरे को बहुत अच्छे से समझते हैं, समझाते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं, यहाँ पर ऐसा दिख रहा है। मुझे लग रहा है जितने भी टॉक्सिक लोग आपकी लाइफ में अब तक हैं, आप लोग उन सभी टॉक्सिक लोगों से डिस्टेंस में जा चुकी हो, या उन टॉक्सिक लोगों को जो कभी सिर्फ इसलिए आप उनको एंटरटेन कर रहे थे क्योंकि आपको लगता था चलो ये पर्सन, चलो ठीक है बात कर लेते हैं ऐसा करके, बट अभी आप उनको एकदम नेग्लेक्ट कर रहे हो। आपको कोई मतलब नहीं उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, क्या नहीं, कहाँ है वो, क्या कर रहे हैं, बिल्कुल भी आपको कोई मतलब नहीं है। समय पर आप उनसे डिस्टेंस बना रहे हो और अपनी लाइफ को हैप्पीली बहुत खुशियों से भरा हुआ फील कर रहे हो। आपके पर्सन के साथ में आपको बहुत खुशी फील होती है, ये रिलेशनशिप में बहुत ज्यादा कंप्लीटनेस फील हो रहा है आपको एंड आपको फील होता है कि आपके पर्सन ने आपको बहुत ज्यादा चेंज कर दिया है। बहुत ज्यादा परिवर्तन आपको अपने मन के अंदर फील होता है, पॉजिटिविटी आ गई, स्टेबिलिटी आ गई है लाइफ में। ये पॉजिटिविटी, ये स्टेबिलिटी आपको बहुत ज्यादा भाती है, बहुत ज्यादा अच्छी लगती है। यहाँ पर ऐसा लग रहा है आप अपने पर्सन के साथ में बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करना चाहते हो। मुझे लग रहा है मिलने की कोई बातचीत हो सकती है आप लोगों के बीच में, जहां आप लोग एक दूसरे से कनेक्ट होंगे, रीयूनियन या फिर आप दोनों का इक्वल गिव एंड टेक प्यार में चलने वाला है। और मुझे लग रहा है जितना टॉक्सिक पर्सन थे आप उन सबसे भाग रहे हो। ये सारे कार्ड मुझे इस समय यही इंडिकेट कर रहे हैं कि आप जिन वो पुरानी बातें याद कर रहे हैं जो टॉक्सिक लोगों के साथ में आप जब आप थे तो आपकी लाइफ कितनी टॉक्सिक थी, आप उसको याद कर रहे हो कि मैंने क्यों इस व्यक्ति ऐसे टॉक्सिक लोगों को इतना टाइम, अपनी एनर्जी, इतना अपना एफर्ट्स दिए, बिल्कुल जरूरत नहीं थी। अब वो अगर आना भी चाहते हैं, आपसे बात भी करना चाहते हैं, आप यू आर नॉट रेडी, आप बिल्कुल रेडी नजर नहीं आ रहे हो टॉक्सिक लोगों से बात करने के लिए। आप बिल्कुल भी रेडी नजर नहीं आ रहे हो, एक मिनट के लिए भी आप उनसे बात नहीं करना चाह रहे हो। आप अपने प्यार के बारे में सोच रहे हो, आप अपने अपने बारे में सोच रहे हो और बहुत खुश हैं आप। आप इस सिचुएशन से बाहर निकल चुके हो जो आपको टॉक्सिक लोगों ने दी थी, उन सभी बातों से बाहर निकल के आप अपने बहुत ही सुंदर से फ्यूचर के बारे में सोच रहे हो जो आपके पर्सन के साथ में है। आपका फ्यूचर ठीक है, बहुत ज्यादा अच्छी रीडिंग है। अगर आप इस पर क्लेम करना चाहते हैं वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड लिख दीजिए अपने पर्सन के लिए यहाँ पर माय पर्सन 1111 और आप इस रीडिंग पर क्लेम कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग के लिए आप आ सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर है। रीडिंग स्टार्ट होती है 199 रुपीज ऑनवर्ड्स, मिनी रीडिंग से लेके डिटेल रीडिंग तक करवा सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं एक नई रीडिंग के साथ जल्द ही, तब तक देखते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।